स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी मुझे ये पूछना था, जैसे जो दीक्षा ले लेते हैं वो तुलसी माला के 3 राउंड पहनते हैं, ठीक है, तो ये 3 राउंड पहने चाहिए या 2 राउंड? अलग अलग परंपराएं हैं, कोई गले में तुलसी को चिपका कर पहनता है, उसे कंठी बोलते हैं। हम श्री संप्रदाय में माला को तुलसी को हृदय से लगाकर पहनते हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं और मान्यताएं हैं, सबकी मान्यताएं सही हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर गुरु मंत्र, जैसे मैंने आपसे दीक्षा ली है तो कहते हैं कि अगर 3 दिन तक गुरु मंत्र ना लिया जाए तो मतलब प्रभाव कम हो जाता है, तो मतलब कंटिन्यू लेना चाहिए मंत्र का जाप तो निरंतर करना चाहिए। जैसे अगर की गैप हो गया, जैसे 1 महीना या 1.5 महीना तक गैप हो चुका है, तो मुझे दोबारा से दीक्षा लेनी होगी ना? दोबारा से दीक्षा क्यों लेनी है? दीक्षा तो ले लिया एक बार, मंत्र का जाप निरंतर करो, मंत्र नहीं जपते तो फिर स्टार्ट करो, फिर शुरू करो। अच्छा, जैसे मुझे ना लड्डू गोपाल जी ने गिफ्ट किए हैं, तो उनके पैर है ना मतलब आधे, मतलब जो पैर ना मतलब थोड़े से टूटे हुए हैं उनके। खंडित मूर्ति दी किसी ने? हाँ, वो मतलब खंडित है, तो फिर उनको विसर्जित करके और ठीक से ले लो आप बढ़िया से ठाकुर जी। ठीक है, तो मतलब जो गुरु मंत्र जो हम करते हैं वो आसन पर बैठकर ही करना है या फिर हम चलते फिरते भी? आसन पर बैठकर मूल मंत्र जपो, चलते फिरते बताया था ना उस पुस्तिका में लिखा है। मतलब कहते हैं कि माला करने से पहले ना इंद्र का नाम लेना जरूरी होता है। माला करने के बाद उठने के पहले आसन में जल डालकर इंद्राय नमः कहना चाहिए, वरना पुण्य इंद्र ले लेते हैं। अच्छा, मतलब माला करने से पहले भी और करने के बाद? पहले नहीं, माला कर लोगे पुण्य आएगा तब तो बोलेगा, पहले क्या ले लेगा बात। ठीक है, और मतलब गुरुजी आपकी ना मतलब एक वीडियो ना वायरल हुई थी, जिसमें ये था कि आप बोल रहे थे कि गणेश जी को एक बकरे का सर लगाया गया, तो इस चीज को लेके ना मुझे बहुत लोगों ने ट्रॉल किया कि तूने जिनको गुरुजी बनाया है वो ऐसा बोल रहे हैं, तो मतलब मैंने कहा कौन से बोलना कि हमारे गुरुजी को चाहती नहीं। मैंने ये चीज बोला कि मतलब वो इतना ज्ञान देता है, आप लोगों ने ये वीडियो एडिट की होगी, कोई बात नहीं, लोगों को देखो, जो कथा सुनने वाले हैं वो कथा सुने, जो वो प्रपंच सुनने वाले हैं वो प्रपंच सुन ले, किसी बहाने वो जुड़े रहे, बस जुड़े रहने दो, बस ठीक है। अच्छे बुरे सबकी जरूरत पड़ती है, सब जैसे गुरु जी आसन पर बैठ के तो माला कर सकते हैं, हरि मंत्र जो महामंत्र होता है वो बिना आसन पर बैठ के कर सकते हैं? बिना आसन के खड़े चलते फिरते खाते पीते द्वय मंत्र जप सकते हैं, द्वय मंत्र जो है ना, और मूल मंत्र सिर्फ आसन पर बैठ आसन बैठ के पवित्र राधे राधे गुरु जी।